Good morning, students. We had read in our last videos about nouns. I think you know very well about nouns. What is the noun? Noun is the name of person, place, animals or things. You know very well. And I told about you the types of noun also. That is the kinds of noun: common noun, proper noun, abstract noun and collective noun. Common noun के examples भी हमने देखे थे, bed, fan. What is the common noun? A noun that is commonly used for a group of people, animals, places or things of the same kind is known as common noun. है ना, common noun आपको समझ में आया? जो सेम क्लास के लिए बोला जाता है वर्ड उसको बोलते हैं नाउन, कॉमन नाउन. आपने एग्जांपल में भी मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर देखो बेड है, फैन है, बॉय, गर्ल, इस टाइप से हमारे कॉमन नाउन होते हैं. एंड देट सेकंड इज प्रॉपर नाउन. व्हाट इज द प्रॉपर नाउन? अ नाउन विच इज स्पेशल नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इज नोन एज अ प्रॉपर नाउन. ओके, प्रॉपर मतलब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात की जाती है तो वो प्रॉपर नाउन में आता है. अब ये एग्जांपल देखो आप, ताजमहल एंड सोनिया. ताजमहल भी स्पेशल एक बिल्डिंग का नाम है, सोनिया किसी एक लड़की का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन है. कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये कॉमन में जैसे बॉय बोलेंगे तो कॉमन, लेकिन राम बोल दिया तो प्रॉपर, और गर्ल बोला तो कॉमन, और बॉय बोल सॉरी सीता बोल दिया तो प्रॉपर नाउन. तो आज हम आपके बुक की जो एक्सरसाइज है वो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन से रिलेटेड है. उसके बाद में अब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन के बारे में बात करेंगे. ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? जिस वर्ड से हमको नाउन दैट शोज एक्स्ट्रा फीलिंग्स, है ना, जैसे कि हैप्पी, सैड, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं वो सब हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं. एंड कलेक्टिव नाउन में क्या होता है? कलेक्टिव में जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए दैट वी यूज दैट वर्ड उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन. जैसे बंच है, ठीक है, क्लास है, ग्रुप, जितना भी ग्रुप हो जिसमें ग्रुप दिखाई देता है, क्राउड है, ऐसे जो वर्ड है वो सब कलेक्टिव नाउन में आते हैं. पर आज हम अपने बुक की जो एक्सरसाइज है वो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के पहले दे रखी है, मैं आपको पहले वो सॉल्व करवाती हूँ. ठीक है, एक्सरसाइज नंबर ए देखिए, इधर यहां लिखा है मैच द कॉमन नाउन टू द प्रॉपर नाउन. अब आपको दिखाई दे रहा है बेटा ये खुद से, आपको देखो ऐसे दिखाती हूँ. इसमें कॉमन नाउन में सबसे पहले क्या दे रखा है? कार्टून. कार्टून जो है, कार्टून आप टीवी पे देखते हो ना, कार्टून कितने सारे कार्टून आते हैं, कई प्रकार, जैसे टॉम एंड जेरी आता है, नोबेदा और पता नहीं क्या क्या आता है, शिनशान देखते हो, तो सबके नाम है. जो नाम है तो वो फिर प्रॉपर नाउन में आएगा, लेकिन सिर्फ कार्टून जो वर्ड यूज किया है वो कहाँ चला जाएगा? आपका कॉमन नाउन में. तो कार्टून जो है उसको किससे मिलाएंगे हम? टॉम एंड जेरी. यहाँ दिखाई दे रहा है आपको टॉम एंड जेरी, ये इसको मैं कहाँ ले जा रही हूँ? इसमें कार्टून में. सिटी, सिटी यहाँ दिखाई दे रही है भोपाल, भोपाल से हम इसको मिलाएंगे. ठीक, फिर है कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट में इधर आ जाएंगे अफ्रीका, इसको ले आएंगे कॉन्टिनेंट. सेकेंड मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट रेड फोर्ट इज अवर मॉन्यूमेंट. होटल, होटल ये हो सकता है ट्रेवलर लॉज, इसको हम होटल का नाम देते, होटल का नाम होगा ट्रेवलर लॉज. रोड, नेल्सन रोड. ठीक, इसके बाद देखिए लैंग्वेज, ये यहां पर दिख रही लैंग्वेज असमिया लैंग्वेज से हम इसको ज्वाइन करेंगे. प्लेनेट, जुपिटर इज अवर प्लेनेट, सो वी विल राइट हियर, ज्वाइन हियर दिस लाइन. बुक, अब ये तो स्क्रीन, सीक्रेट सेवन ये बुक का नाम हो सकता है, ये वाला बुक. ठीक, तो कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन में हमने मैचिंग किया है. ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द कॉमन नाउन. अब हमको कॉमन नाउन यूज करना है. द डैश
लिव्स विद हिज आंट। तो आंट के साथ कौन हो सकता है, या तो बॉय या फिर गर्ल हो सकती है, क्योंकि हमको कॉमन नाम यूज करना, हम किसी का नाम यहाँ पर नहीं लिख सकते। माय सिस्टर इज प्लेइंग इन द, प्लेइंग कहाँ करते हैं हम, ग्राउंड में, कोई पर्टिकुलर ग्राउंड का नाम नहीं लिखना है अभी हमको, सिर्फ कॉमन नाउन यूज करना है। वी सॉ अ टाइगर इन द फॉरेस्ट, ओके। हाइड एंड सीक इज अ पॉपुलर गेम, गेम इज कॉमन नाउन, बट किसी का नाम आता है तो ये प्रॉपर हो जाता है। इंडिया इज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो कंट्री जो है वो भी हमारा कॉमन नाउन है, कॉमन अगर कंट्री है, और इंडिया जो है वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो आप, फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर नाउन। इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ इंडिया कौन है आपको सबको पता ही है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। हरिद्वार इज इन, कहाँ है हरिद्वार, उत्तराखंड में, तो लिखा है उत्तराखंड, ये प्रॉपर नाउन है, कोई पर्टिकुलर सिटी का नाम हो तो उत्तराखंड प्रॉपर नाउन। ग्रामर इज टॉट टू अस बाय इन द स्कूल, अब स्कूल में आपको ग्रामर या इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है, कविता मैडम पढ़ा रहे हैं ना, तो मैंने अपना नाम लिख दिया यहाँ पर, मैं भी तो प्रॉपर नाउन में आ गई, कविता मैडम, ठीक है, आया समझ में आपको। नेक्स्ट फोर्थ देखिए, क्रिसमस इज अ सेलिब्रेटेड इन द ओकेजन ऑफ बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है, जीसस क्राइस्ट की स्पेलिंग लिखी है मैंने यहाँ पर, ठीक है। फिर शाहजहां बिल्ट द ताजमहल फॉर हिज बिलवेड वाइफ, यहाँ पे हम ताजमहल की स्पेलिंग लिखेंगे, ठीक है, ताजमहल। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो दे रखी है बेटा वो है, राइट सी फॉर कॉमन नाउन, पी फॉर प्रॉपर नाउन, क्लियर। जहां जहां आपको कॉमन नाउन दिख रहा है वहां पर आपको बॉक्स में सी लिखना है, जहां पर आपको प्रॉपर नाउन दिख रहा है वहां पर आपको पी लिखना है, ओके, आया समझ में। अब आपको समझ में आने लगा होगा व्हाट इज द कॉमन नाउन एंड व्हाट इज द प्रॉपर नाउन। कॉमन मतलब जिसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं हो, सिर्फ जैसे यहाँ लिखा ट्रेन, अब ट्रेन को कोई स्पेशल नाम नहीं ना, राजधानी एक्सप्रेस या ऐसे कुछ स्पेशल नाम नहीं है, सिर्फ ट्रेन, तो ट्रेन का यहाँ पर हमने कॉमन में लिया, उसको क्या मिलेंगे, कॉमन में। फिर गार्डन, गार्डन भी कॉमन क्योंकि कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है। फिर क्या है, ब्रिटेन, ब्रिटेन जो है वो किसी उसका नाम है, कंट्री का नाम है, देश शहर का नाम है, तो ब्रिटेन ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। टाइगर, टाइगर भी एनिमल्स में आता है टाइगर, लेकिन एक स्पेशल टाइगर का नाम लिया है इसलिए ये प्रॉपर नाउन। सानिया नेहवाल, सानिया नेहवाल किसी लड़की का नाम है, प्लेयर का नाम है हमारी इंडिया की, तो प्रॉपर नाउन। इंडिया गेट, ये भी प्रॉपर नाउन। हॉकी, ये भी प्रॉपर नाउन क्योंकि ये गेम में हॉकी स्पेशल नाम हो गया। फ्रेंड, फ्रेंड तो बहुत सारे होते हैं ना, स्पेशल कोई नाम लिखा ही नहीं है, तो फ्रेंड कैसे हो गया, कॉमन नाउन, क्लियर। नेक्स्ट है आयरलैंड, ये भी प्रॉपर नाउन है। ओउल, ये भी प्रॉपर नाउन है। काइट्स, काइट्स मतलब पतंग का है ना, कोई वस्तु है, लेकिन इसको हम कॉमन में लेंगे। फिर अरेबियन सी, अरेबियन सी भी प्रॉपर नाउन। अब आया समझ में आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या होता है, ये आपको अब समझ में आ गया होगा। अब बेटा नेक्स्ट जो है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन अब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। इतना आपको अभी बहुत ज्यादा हॉचपॉच हो जाएगा, आज भाई कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में आप अच्छे से समझ लो, इतना ही आप लोग कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगले वीडियो में मैं आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताऊंगी, ठीक।